जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएम एकेडमी में। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स आपके सामने कब ला रहा हूँ। तो फाइनली मैं आपके सामने मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स जो है वो लेकर आ रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हम इस कोर्स में क्या क्या देखने वाले हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम्स के लिए ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, कौन कौन सी किताबें इसमें रेफ़र की गई है। ये सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे, तो आइए देखते हैं। अब देखिए, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे कि हमें जो एंशियंट हिस्ट्री है वो देखने को मिलती है, जो मेडिवल हिस्ट्री है वो देखने को मिलती है, मॉडर्न हिस्ट्री देखने को मिलती है और वर्ल्ड हिस्ट्री देखने को मिलती है। अब अगर आप UPSC एग्ज़ाम की बात करते हो तो इसमें हमें चारों टाइप जो है ये कवर करने पड़ते हैं, ये पढ़ने पड़ते हैं। एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है और वर्ल्ड हिस्ट्री जो है उसका काम हमें मोस्टली मेंस के टाइम पर होता है। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा पार्ट है हिस्ट्री का? तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जिस पर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लो, UPSC सिविल सर्विसेज देखो, UPSC की कोई और एग्ज़ाम देखो जिसमें हिस्ट्री होता हो, या फिर कोई स्टेट PSCs देख लो, कोई भी एग्ज़ाम देख लो जिसमें हिस्ट्री होता होगा, सबसे ज़्यादा सवाल आपको एक टाइप में से पूछे जाएंगे, वो है मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखिए, हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं UPSC का। अब UPSC एग्ज़ाम अगर आप देखोगे 2011 से लेकर 2019 तक के जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर ओवरऑल हिस्ट्री पर पूछे गए हैं वो आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं। 2011 में अगर आप देखोगे तो 11 क्वेश्चंस हिस्ट्री में से पूछे गए थे। अब हिस्ट्री हम सभी इंक्लूड कर रहे हैं इसमें। 2012 देखोगे तो 17 क्वेश्चंस थे, 13 देखोगे तो 11 थे, 14 देखोगे तो 17 क्वेश्चन थे, 15 देखोगे तो 14, 16 में 15, 17 में 14, 18 में 15, 19 में 17। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि एवरेज अगर आप देखोगे तो 15-20 क्वेश्चन जो है इसके बीच में हमें जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलते हैं UPSC में। और इसी तरीके का ट्रेंड बाकी एग्जाम्स में भी होता है, इनफैक्ट इससे ज़्यादा भी हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि हिस्ट्री जो है वो हमें कम से कम 30-40 मार्क्स जो है वो दिला सकती है अगर हमारा अच्छे से हुआ हो। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 30-40 मार्क्स, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स देखोगे तो इतना वास्ट चीज़ें होती है, उसमें कोई ना कोई चीज़ आपको छूट जा सकती है। अगर आप पॉलिटी देखोगे उसमें भी इतना वास्ट होता है, कोई ना कोई चीज़ हो सकता है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि कंसेप्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो इसमें पर्टिकुलरली चीज़ें वही होती है, चेंज नहीं होती है। और उसमें भी आपको कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं रखने होते हैं कि ये इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ये होगा, इम्प्लीकेशन इसका ये हो सकता है, कोई इम्प्लीकेशन वाली चीज़ें नहीं होती है। जो चीज़ें दी हुई है वही आपको पढ़ना होता है और वही एग्ज़ाम में पूछी जाती है जैसी कि वैसी। इसीलिए ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे पास हिस्ट्री में ज़्यादा स्कोर करने के। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 2019 का जो UPSC का पेपर था उसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आप देखिए कौन से हिस्ट्री में से पूछे गए थे। तो यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर है, एंशियंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है। तो इसमें अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के पूछे गए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से ही सबसे ज़्यादा सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें से सबसे ज़्यादा सवाल आपको आ सकते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप वो परफेक्ट कर लेते हो, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री कंपैरेटिवली परफेक्ट करना काफ़ी आसान है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री पे अगर आपको 8 क्वेश्चंस आते हैं तो पूरे क्वेश्चंस के सही जवाब आप दे सकते हो, आपके पास चांस होता है अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई की हो तो। तो यहाँ पर जब आपको 8 में से 8 सवाल के सही जवाब आ जाएंगे तो मतलब 16 मार्क्स। और आप खुद सोचिए, खुद सोच कर देखिए कि 16 मार्क्स अगर आपको मिलते हैं तो आपके सिलेक्शन में कितनी इंपॉर्टेंस वो रखते होंगे। तो इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना ये हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जब आप देखोगे अगर हम UPSC की बात करते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की पढ़ाई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अब प्रीलिम्स अगर आप देखोगे तो इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, जैसे कि क्रोनोलॉजी आपको पूछी जा सकती है कि पहले कौन सा इवेंट हुआ, दूसरा कौन सा इवेंट हुआ, पहले कौन सी मूवमेंट हुई, दूसरी कौन सी मूवमेंट हुई। बाद में ट्रीटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2019 के UPSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ट्रीटी हुई थी टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में, उनमें कौन कौन से फीचर्स थे, तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तीसरा, फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इस फ्रीडम फाइटर ने कौन से मूवमेंट में भाग लिया था, इस मूवमेंट में कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स थे, इस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और फिर लास्ट में मूवमेंट के बारे में आता है,
कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कौन कौन से फीचर्स थे, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, ये वॉयलेंट थी या नहीं थी, है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। मेंस में अगर आप देखोगे तो मोस्टली एनालाइज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये ऐसी ऐसी हुई थी, तो इसे एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर मैं जो कोर्स आपके लिए लेकर आ रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से है। मतलब आपको जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो मिलेंगी ही, उसी के साथ साथ जो एनालिसिस है वो भी हम हर इवेंट का प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो इसीलिए ये जो पूरा सिलेबस रहेगा, ये जो पूरे वीडियोस रहेंगे, इससे आपको हिस्ट्री का कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिलेगा। मतलब कि आपको दूसरा कोई भी सोर्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, तो जितनी भी एग्ज़ाम्स है जिसमें हिस्ट्री आता है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको ये वाला जो कोर्स है बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर सवाल ये आता है कि हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यूरोपियंस के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री वहीं से शुरू होती है ना, यूरोपियंस से। हाँ, कहीं कहीं पर 1857 से बोला जाता है, लेकिन सवाल जो है वो यूरोपियन टाइम से भी निकलते हैं। तो जो यूरोपियन पावर्स है, पुर्तगीज, डच, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, किस तरीके से भारत में आए, किस तरीके से उन्होंने अपना वर्चस्व जमाया, और फिर उसके बाद एक एक यूरोपियन पावर को पछाड़ कर जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने अपना वर्चस्व यहाँ पर कैसे स्थापित किया, फिर उसके बाद जो नेटिव रूलर्स हैं उन्हें हरा कर अपनी सुप्रीमेसी इंडिया पर कैसे उन्होंने स्थापित की, फिर उसके बाद जो यहाँ के लोग थे उन्हें यहाँ पर पूरा लूट कर उन्होंने किस तरीके से उनकी हालत जो एकदम ख़राब कर दी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ 1857 का रिवोल्ट हो, उसके बाद जो पूरा पावर क्राउन के हाथ में चल जाता है वो हो, उसके बाद यहाँ पर जितनी मूवमेंट हुई है वो सब, फिर गांधी जी आते हैं 1915 में, उसके बाद गांधी जी ने यहाँ पर क्या क्या किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से क्रोनोलॉजी जो है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे एक एक करके। मतलब आपको रिवीजन के टाइम पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और उसी के साथ साथ जो पूरा कोर्स है वो हर एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है उसका यहाँ पर ख्याल रखा जाएगा, और उस हिसाब से ये कोर्स आपके लिए बनाया जा रहा है। तो कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिस्ट्री होती है, कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो स्वदेशी, सूरत स्प्लिट, मॉर्लिमिंटो, पूरी क्रोनोलॉजी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है, पूरी क्रोनोलॉजी, और इस पर भी आपको कई क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे जिससे कि आपका पूरा हिस्ट्री एक अच्छी तरीके से हो जाए, और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर स्टोरी वाइज देखेंगे, स्टोरी के रूप में पूरा जो हिस्ट्री है वो कवर करेंगे जिससे कि हिस्ट्री जो है वो बोर भी नहीं होगा, और जब हम स्टोरी रूप में देखते हैं तो एक लिंक लगती है और फिर हिस्ट्री काफ़ी मज़ेदार हमें लगने लगती है। अब यहाँ पर सवाल आता है कौन कौन सी किताबों का यूज़ किया गया है इस कोर्स को बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो दो बड़ी किताबें हैं, स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्र हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये दोनों ही किताबों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और भी कोई किताबें हैं जिनका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है इस कोर्स को बनाने के लिए, जिससे कि कोई भी चीज़ यहाँ पर ना छूटे। तो फाइनली ये सवाल आता है कि कोर्स आपको मिलेगा कहाँ पर। तो ये कोर्स आपको मिलने वाला है MM Academy इस ऐप पर। ये ऐप आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये ऐप आपको मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पर। तो इस पर जाकर आपको ये जो ऐप है उसे डाउनलोड करना है, और आपको यहाँ पर जो कोर्सेस है उसे इन्जॉय करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो और भी काफ़ी फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जो जो भी यहाँ पर कोर्स ज्वाइन करेंगे उन सब के साथ मैं पर्सनली कांटेक्ट में रहूँगा, जो भी डाउट्स आते हैं पर्सनली वो डाउट जो है रिजॉल्व किए जाएंगे। फ्रीक्वेंटली हम यहाँ पर जो लाइव सेशंस होते हैं वो भी कंडक्ट करेंगे, और उसी के साथ साथ लाइव सेशंस में जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो ऐप एक ही है लेकिन उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। तो जल्द से जल्द ऐप को डाउनलोड कीजिए, और जो सेशंस हैं, जो कोर्सेस हैं, उन्हें एंजॉय कीजिए। सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं तो बाकी बहुत सारे कोर्सेज जो है वो आपको वहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। चलिए मिलते हैं हम MM Academy ऐप पर। जय हिंद।